हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कवर करेंगे 6 सितंबर 2023 का फुल पत्ती करंट अफेयर्स फुल रिवीजन। और पीडीएफ के लिए सबसे पहले आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप द स्टडी लाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको सबसे पहले पीडीएफ सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए जहाँ पर शाम में पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर टेलीग्राम पर जाकर के चैनल नाम सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? तो वो WHO ने जारी किया है। और इसमें देखा जाए तो पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है ये गांधीनगर गुजरात में होने वाला है। इसमें आयुष मंत्रालय और WHO ने सहयोग किया है इसमें, ठीक है। बात करें यहाँ पे आयुष का जो अर्थ बताया गया है तो ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध, एच फॉर होम्योपैथी, ये आयुष का मतलब बताया गया है फुल फॉर्म। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और हेड जो है वो डॉक्टर टेड्रोस है। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। और 7 अप्रैल को ही हम लोग जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं हर साल। अगला प्रश्न देखा जाए, ललन टॉप प्रश्न, वो है अंकोर वाट का मंदिर जो है ये कहाँ पर है? ये कंबोडिया में स्थित है। निर्माण जो है सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था और ये भगवान विष्णु का जो है मंदिर है। आगे देखा जाए, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किया गया था किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इसकी स्थापना किया गया था। आगे यहाँ पे नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है नील नदी का वरदान। और मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वो अब्देल फतह सीसी है। मिस्र को ही इजिप्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पानी में घुलनशील विटामिन जो है वो कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी और सी होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे कि हाल ही में दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम जिसका नाम है इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह हैदराबाद में किया गया है। ये दुनिया का पहला जो है AI एंटी ड्रोन सिस्टम पर आधारित है जिनका नाम इंद्रजाल है। और निर्माण जो है ये ग्रेने रोबोटिक्स फर्म के द्वारा किया गया था। अब ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? यांग टीसी नदी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखेगा। और ये चीन में बहती है। आगे है कि पृथ्वी की के जो फेफड़े है वो किसे कहा जाता है? तो अमेजोन वर्षावन को कहा जाता है। आगे नेशनल वाटरवे 2 ये कहाँ पे है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ से कहाँ तक? सादिया से धुबरी या धुबरी से सादिया तक है, ठीक है। आगे मकर रेखा 2 बार काटने वाली नदी कौन है मकर रेखा को? तो लिम्पोपे नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कांगो नदी काटती है। कर्क रेखा को माही नदी काटती है, ठीक है, याद रखेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर कौन बनी है? तो डेनियल मैकगे ही बनी है जो कि कनाडा की है। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा है, ठीक है। अगला देखा जाए यहाँ पे, तराइन का प्रथम युद्ध जो है ये 1191 में हुआ था किसके किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। फिर 1 साल बाद जो है तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, पृथ्वीराज तृतीय इसमें हार जाते हैं, मोहम्मद गौरी जीत जाता है, ठीक है। और मोहम्मद गौरी के जीतने के बाद जो है आगे चल करके जो है 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कि मोहम्मद गौरी का जो है वो गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखा जाए यहाँ पे, रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड है पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो विनोबा भावे 1958 में इनको मिला था। अगला यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है द हेग नीदरलैंड में स्थित है। आपको पता है ना UN के कुल 6 अंग है, 6, जैसे कि देखिए UN का तो मुख्यालय आपको पता है न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है, तो इसका भी जितना भी अंग होगा वो तो न्यूयॉर्क में ही उसका मुख्यालय होगा। लेकिन इसमें से जो है 1 अंग ऐसा है जिसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क से बाहर है, वो अंग आपका यही है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। बाकी जो बचा 5 अंग, इन 5ों अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही स्थित है, इसीलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है UN से, ठीक है। अच्छा, UN की स्थापना कब हुई थी आपको पता है? 24 अक्टूबर 1945 को जो है UN की स्थापना होती है।
आगे यहाँ पे IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है, ग्लेंड स्विट्जरलैंड में है, याद रखेगा। अगला जो प्रश्न है वह हाल ही में भारतीय उद्यमिता विकास मंत्रालय ने डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया गया है, तो सत्यजीत मजूमदार को नामित किया गया है। बाकी देखा जाए डॉक्टर जो BG पटेल है ना, वो भारत में उद्यमिता के जनक माने जाते हैं। ये जो BG पटेल मेमोरियल अवार्ड दिया गया है इस बार सत्यजीत मजूमदार को, तो ये जो BG पटेल है, ये BG पटेल जो है भारत में उद्यमिता के जनक के रूप में माना जाता है। इनके द्वारा ही जो है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना अहमदाबाद में की गई थी। अगला जो ललन टॉप प्रश्न है कि सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है कौन सी झील, तो सॉरी कौन सा नहर, तो सू नहर जोड़ती है। आगे यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, जयंती पटनायक थी। आगे रऊफ नृत्य जो है ये कहाँ पे किया जाता है, जम्मू कश्मीर में किया जाता है। और लेवेंडर फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन जो है ये सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। अच्छा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी आपको बताना है, राजीव कुमार है। अगला हाल ही में प्रारंभ एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था, वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जिसका शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ASI, तो इसकी स्थापना 1861 में हुआ था और जो है जनक जो है कनिंगम को माना जाता है। साथ ही इनका हेड क्वार्टर कलकत्ता में है। और देखा जाए इनके द्वारा भारतीय विरासत ऐप और ई अनुमति ऐप लॉन्च किया गया था। अगला ललन टॉप प्रश्न है कि कालाजार रोग जो है ये प्रोटाजोआ के कारण होता है, यह परजीवी है एक, ठीक है, और वाहक जो है ये सैंड फ्लाई मक्खी होती है। आगे विडाल टेस्ट जो है ये टाफाइड में किया जाता है और ये जीवाणु जनित रोग है। अगला है विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास निहित होती है, तो राज्यपाल के पास निहित होती है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, तीनों के लिए 35 वर्ष न्यूनतम उम्र है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, परंतु विश्व जो शिक्षक दिवस है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये जो 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं ये शुरुआत कब हुआ था, तो 5 सितंबर 1962 से इसकी शुरुआत हो जाती है शिक्षक दिवस मनाने की। अच्छा ये क्यों मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय जो है राष्ट्रपति थे, इनको 1954 में भारत रत्न भी मिला था। अगला लल्लन टॉप प्रश्न है सत्रिया नृत्य जो है ये किस राज्य का है, तो ये असम का है और ये भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। आपको पता है ना भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से सबसे नवीनतम जो है आपका सत्रिया नृत्य है जो कि असम का है। आगे GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो भारत में लागू हुआ ये किस संविधान संशोधन के तहत, तो 101वां संविधान संशोधन के तहत 1 जुलाई 2017 को विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। आगे RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, CD देशमुख थे। RBI इसकी स्थापना जो है आपको पता है कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन जब ये इसकी स्थापना हुई थी तब जो RBI जो था ना ये भारत का बैंक नहीं था, एक प्राइवेट बैंक था। फिर आप कहेंगे कि ये भारत का बैंक कब हो गया, तो 1 जनवरी 1949 को जब RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ तब जो है RBI भारत सरकार के अंतर्गत आ गया, ठीक है। बात करें जब RBI की स्थापना हुई थी 1935 में, तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन वर्तमान में मुख्यालय RBI का कहाँ पे, मुंबई में है। फिर आप कहेंगे ये कब शिफ्ट हो गया, तो 1937 में ही जो है ट्रांसफर करके कोलकाता से वो मुंबई कर दिया गया था, ठीक है ना। अगला है कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो मेटा के साथ साझेदारी की है, ठीक है। मेटा आपको पता ही है, फेसबुक जो है आपका मेटा कहलाता है। छात्रों शिक्षकों व उद्यमियों की जो है डिजिटल मार्केटिंग को सिखाने के लिए यह जो है किया गया है। ललन टॉप प्रश्न देखें तो तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। माता टीला परियोजना ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। ग्राम पंचायत का गठन जो है आर्टिकल नंबर 40 में वर्णित है। बाकी बात करें पर्यावरण संरक्षण संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए जो है कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 48A है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो मैक्स वेरस्टेपेन ने बनाया है। कौन है? मैक्स वेरस्टेपेन ने बनाया है और ये नीदरलैंड के हैं और इनका जो टीम का नाम है वो रेडबुल है। ठीक है, आगे देखा जाए ललन टॉप प्रश्न, तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। आगे यहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति जो है ना वो जीरोफाइट कहलाता है, जिसको हिंदी में मृदभिद कहते हैं। आगे यहाँ पे कि ओपेक का मुख्यालय वियना में है, उसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। ओपेन का जो है मतलब जो ओपेक जो जो भी देश इसमें शामिल है वो तेल निर्यातक देश शामिल है। आगे है राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति जो है ये आर्टिकल नंबर 72 में वर्णित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है आर्टिकल नंबर 61 के तहत लगाया जाता है। बाकी राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करते हैं वो आर्टिकल नंबर 60 के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो 6.7% अनुमानित की गई है। भारत में देखा जाए तो सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को मापा गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा, भारत जो है सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में मापा गया है। अगला है, मानसून कमजोर रहा तो महंगाई बढ़ेगी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है कि जो लल्लन टॉप प्रश्न है वो है आपका कि भारतीय मानक समय रेखा यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। वहीं बात करें जो जो पैलेट पार्टिकल्स है ये राइबोसोम को कहा जाता है। अगला है, सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पुरी बुच है। इसकी स्थापना 1988 में होता है, लेकिन सेबी को दर्जा जो है वो 1992 में मिलता है। सेबी जो एक वैधानिक संस्थान है। अगला प्रश्न है, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये देविका रानी को मिला था 1969 ईस्वी में। अच्छा, 1969 डेट देखते ही आपको कुछ याद आया होगा कि इसरो की भी स्थापना जो है ना वो 15 अगस्त 1969 को ही हुआ था। इसरो आपको पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो है फुल फॉर्म होता है, और ये भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। वहीं आपको ध्यान ये भी रखना है इसका मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है और जो भी सेटेलाइट लॉन्च करती है वो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से लॉन्च करती है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखा जाए कि हाल ही में नेस्कॉम के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश नाम्बियार को नियुक्त किया गया है। ये नेस्कॉम कंपनी जो है ना नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्ट सर्विसेज कम्युनिकेशन है। ठीक है, इसका जो इसकी स्थापना जो हुआ था 1998 में हुआ था और ये जो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है नेस्कॉम को, करीबन 3000 से ज़्यादा जो है कंपनी इसमें शामिल है। अगला ललन टॉप प्रश्न देखें तो वह सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी और धम्म चक्र प्रवर्तन जो है ये गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था कहाँ पर? सारनाथ में जो है उसी को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। ब्राजील में जो कॉफी का बगान है उसे फेजेंडा कहा जाता है। सती प्रथा का जो पहली बार उल्लेख मिलता है ना वो एरन अभिलेख में मिलता है जो कि भानुगुप्त से संबंधित है। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट आपको 10 जो क्वेश्चन था इसमें वो मैंने रिविजन करा दिया। और चलते हैं हम लोग कल के जो है 10 क्वेश्चन को फटाफट रिविजन कर लेते हैं। ये रहा आपका जो है 5 सितंबर 2023 का 10 प्रश्न जो हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तित वेरिएंट कौन सा है जो हाल ही में कई देशों में पाया गया है? तो उसका नाम है पिरोला, नाम दिया गया है B.A.2.86। ठीक है, अगला जो करंट अफेयर्स है वह 132वें डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो मोहन बगान SG है जो कि सर्वाधिक विजेता है यही। अगला है, हाल ही में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का लॉन्च कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। अगला जो प्रश्न है वह, हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया का पहला फुटबॉलर कौन बना है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना है जो कि पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। अगला है, अमेरिकी कंपनी कॉर्निग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्थापित करेगी? हैदराबाद में स्थापित करेगी, तेलंगाना में। अगला है,
हाल ही में जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ प्रारंभ हुई है? तो हैदराबाद में हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? तो जापान के वैज्ञानिकों ने पहली बार माइक्रोप्लास्टिक की खोज बादलों में की है। अगला, हाल ही में NCERT ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है? तो यूनेस्को ने जो है ये जारी किया है इसके सहयोग से, यूनेस्को के सहयोग से। अगला जो प्रश्न देखा जाए, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जिसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो NCERT को। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाला हट्टा साइन कहाँ पर स्थित है? तो दुबई में स्थित है, याद रखिएगा, हाजर पर्वत पर। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट आपको रिवीजन करा दिया। तो वीडियो कैसा लगा आप तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।